कार मैं आपका अपना लोकवाणी नीरज गुप्ता आज पहुंचा हूं डोला गांव में, जहां पर वार्ड 16 में आने वाला है गांव डोला। और 3 प्रत्याशी यहां पर पूरी तरीके से अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। उन्हीं चीज़ों को जानने के लिए और विकास कार्यों को लेकर के बात करने के लिए आज पहुंचा हूं डोला गांव में। आपका नाम बताइए। सुखपाल सिंह। सुखपाल जी, मेरा सवाल है जिला पंचायत को लेकर, सदस्य पद हेतु। अच्छा, जो 3 प्रत्याशी हैं वार्ड 16 से, संजय डीलर, प्रदीप ठाकुर और रमेश कुशवाहा। अच्छा अच्छा, इसमें इन तीनों में आप किसको देखते हैं जो विकास कार्य करा पाएंगे आपके गांव के लिए? विकास कार्य तो देखो, डीलर जो है ना, ये आपका संजय डीलर, जी, इन्होंने 5 साल से तो हम देख रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर लोग आदमी के, हर परिवार के दुख दर्द में भी ये शरीक होते हैं। कभी भी कहीं भी इनको सूचना मिल जा तभी ये जो है आते हैं और उनके परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन और तो कोई इस तरह का नज़र में आ नहीं रहा जी। जी हाँ, तो आपका समर्थन संजय डीलर? हाँ बिल्कुल, संजय डीलर को। तो यानी कि उनकी जो जनता के बीच में पकड़ है उसको देखते हुए? हाँ, आज आज जो है वर्तमान में उनकी जो है पकड़ बस चरम सीमा पर ही है। अच्छा हाँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि प्रदीप ठाकुर जो है, प्रदीप ठाकुर ऐसा, देखो इस डोला गांव ने प्रदीप ठाकुर को इतना सम्मान दिया था पिछले इलेक्शन में, अब यहाँ का बच्चा बच्चा प्रदीप ठाकुर के साथ था, लेकिन उन्होंने दिया क्या गांव को, यूँ बताओ आप क्या दिया। जबकि संजय डीलर को जब भी कोई कभी पता चलेगा तभी यहाँ गांव में उपस्थित हुए, उसी परिवार के धोरे गए, उसके दुख दर्द में शामिल हुए। सही बात है, जनता को चाहिए कि उसके सुख दुख में खड़ा बस हो वो। बिल्कुल, यहाँ कुछ खैर मैं ज़्यादा बड़ी बात तो कहता नहीं, तो गांव के लोगों से आप मालूम करियो भाई उन्होंने क्या किया है। लेकिन संजय डीलर का जो है लगाव इस गांव के प्रति बहुत बढ़िया रहा है पिछले 5 साल से, आज की बात नहीं कर रहा मैं, भाई आज ही जो है वो दिखावा कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से बहुत बढ़िया रुझान रहा है और गाँव में उसकी पकड़ भी है। पकड़ भी है? हाँ जी। तो आप संजय डीलर को समर्थन करते हैं? हाँ, मैं तो संजय डीलर को समर्थन। आपका नाम? हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह जी, हम आपके गाँव डोला में आए हैं, जिला पंचायत के चुनाव नज़दीक हैं, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या कहना है इस सब चीज़ों को लेकर के? आप जानती होंगे कौन कौन प्रत्याशी आपके? भैया जानते हैं, लेकिन भैया ठाकुर का गाँव है, ठाकुर के साथ ही हम। तो जातवाद पे क्या चुनाव हो रहा है या कैसे? नहीं, जातवाद को काम करवाया उन्होंने, ITI कॉलेज यहाँ आ गया, स्टेडियम यहाँ आ गया, मेडिकल कॉलेज यहाँ आ गया, बताओ और क्या चाहिए? जो यहाँ के युवा है सबको सबको अपने पढ़ाई लिखाई में आगे मान ही जाएंगे, मेडिकल कॉलेज जाओ। कुछ लोगों का गांव के कुछ लोगों का कहना है कि क्या नाम है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और जो संजय डीलर है वो सुख दुख में सबके साथ में रहता है, सबके मिलनसार है, फिर इस पे आपका क्या कहना है? काम क्यों नहीं हो रहा भाई, देखो गांव में घूम के पता चलेगा काम क्यों ना हो रहा है, काम हो रहा है क्यों नहीं हो रहा, ये बिना काम करे हो गए मेडिकल कॉलेज आ गया, गौशाला मीतली में बन गई, खट्टा में ITI कॉलेज आ रहा हमारे गांव यहाँ। संजय डीलर का कहना है गांव में आकर के सभी के बीच में पहुँच करके कि एक बार मौका दें तो मैं विकास की नदियाँ बहा दूंगा, गंगा बहा दूंगा। भैया मौका देने के बाद तो कह रहे कि भाई बहा देंगे, बिना मौके दे सामाजिकता नहीं होती कुछ इंसान की, पहले भी तो देखना चाहिए कुछ क्या करना क्या नहीं, बताओ इस चीज़ में क्या जोड़ देते, किसी चीज़ में जोड़ दिया आज तक उन्होंने, संजय डीलर की बात करें उन्होंने किस चीज में जोड़ दिया? रमेश कुशवाहा की भी बात कर रहे हैं तो रमेश इनकी तो कहीं इनमें तो कोई गिनती ना भैया, इनकी कोई नहीं है। अच्छा, कोई हो नहीं, इनका कोई हो नहीं है यहाँ पे। तो किसको आप देखते हैं सबसे मजबूत दावेदार यहाँ गांव डोला से? भैया प्रदीप ठाकुर यहाँ से तो जो भी है दावेदार ठाकुर साहब है। तो कितने लगभग आप अगर अनुमानित करें तो कितना प्रतिशत वोट से यहाँ से जीतने का प्रयास है? 70-75 के आसपास। 70-75% यहाँ से ठाकुर साहब की वोट है यहाँ से, और साहब। अच्छा हाँ, 25 के लगभग या 30 के आसपास और सब रहेंगे, 70-75 के आसपास ठाकुर साहब रहेंगे। तो वो ठाकुर हैं इस वजह से? नहीं नहीं, विकास कार्य को लेकर, विकास कार्य को लेकर, विकास कार्य को। तो भैया को आप सुन रहे हैं कि विकास कार्यों के बल पर अपनी पहचान, अपनी एक जो जीत का सहारा है वो बंधेगा, ऐसा भैया का कहना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी आपका नाम? मैं नाम भैया दुष्यंत है। दुष्यंत जी, आपके गांव डोला में आज हम आए हैं। हाँ जी। ये जानने के लिए कि जो जिला पंचायत के चुनावी दौर चल रहा है, वार्ड नंबर 16 से आपका गांव आता है, आप किसको और क्यों समर्थन कर रहे हैं? आपके यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं। भाई संजय डीलर जो है बढ़िया आदमी है और बहुत अच्छा आदमी है, संजय डीलर को हम वोट देंगे, हमारे दुख सुख में काम आता है भाई, इसलिए खुश हो गए हम सब जनता, संजय डीलर को वोट देंगे। प्रदीप ठाकुर ने इतने विकास कार्य किए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनको बस सरकार तो बदलती बदलती ठीक रहे, 5 साल उसने कर लिया, संजय भाई को भी देख लो अगर अच्छा लगे, सभी का मूड है भाई। अच्छा हाँ, इसलिए खुश हो गए दे रहे, कोई प्रदीप भाई भी हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी अपने ही आदमी है, भैया है हमारा, ठाकुर भाई है,
एक बार संजय डीलर को वोट दे के देखेंगे भाई आपका नाम। तो यानी कि आप मौके के मुताबिक जो है वोट देने जा रहे हो? हाँ जी, मौके के मुताबिक वोट देंगे संजय डीलर को। और प्रदीप भी हमारा अच्छा भाई था, ठाकुर है, राज भी है, उसका आज मान सम्मान है। बाकी वोट जो देंगे आपका प्रदीप, इसको संजय डीलर को देंगे। कितने प्रतिशत वोट लग रहा है आपको कि संजय डीलर को मिलेगी? भाई हमारा तो पूरा गांव का गांव भैया यहीं कहीं है, 80% तो इस पे ही है, 20% तो और साइड में होगा भाई कहीं। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप खुला समर्थन करते? कम हाथ खुल के कह रहे हैं हम तो। जैनन जी, आपके यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं, प्रदीप ठाकुर, रमेश कुशवाहा और संजय डीलर। किसको वोट देंगे और क्यों देंगे, किसका समर्थन करते हैं आप? संजय डीलर का। क्यों करते हैं संजय डीलर का? आदमी बढ़िया है। आदमी बढ़िया है, हाँ। क्या अच्छाई लगती है आपको उसमें? हाँ? क्या अच्छाई है, क्या छवि है उनकी? अच्छा है, जिस हर काम का कहते साथ ही हर सब समाव है। तो इसलिए आप समर्थन करते हैं। क्या कुछ विकास कार्यों को देखते हुए आप किसको जो है वोट करने जा रहे हो? प्रदीप को करने जा रहे हो। किस लिए? देख रखा पहले भी रहा है, अब भी। अच्छा, हाँ। संजय डीलर रमेश कुशवाहा क्यों नहीं? जो आदमी हमने देख रखा है हम वोट देंगे। संजय डीलर का कहना है कि अगर एक बार जनता का आशीर्वाद मिला और मौका मिला तो विकास की गंगा बहा देंगे, आपका क्या कहना है इस पे? सब कहे हुए हैं, कोई ना बोलने को ना बात। अच्छा, ठीक चल रहा हमारा काम पे। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रदीप ठाकुर उन्होंने अपने अपने गाँव में विकास कार्य किए हैं और गाँवों में नहीं किया है, तो आपको क्या कहना है इस पे? प्रदीप इतने काम कर रहे हैं आज का, वो के बन रहा मीतरी में, बन रहा खट्टा में, बन रहा है, ये अपने प्रदीप के काम आओगे। हाँ नहीं, वो यही तो कह रहे हैं लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अपने गांव क्षेत्र में बना रहे हैं डोला में, आज तक कोई उसमें कहीं उससे बहुत बहुत दूर के लंबा पढ़ेंगे जाओगे उसमें तो मीतरी के थोड़ी जान है। तो आप खुला समाधान करते हैं? हाँ, बहुत ठीक। सबके पास आएंगे, जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं। अच्छा, उनको लेकर के विकास कार्य के दो भैया, विकास कार्य तो यू है, संजय टेलर को वोट देनी है और विकास करवाना है, और विकास कार्य की होता विकास करवाना है, यानी कि आपको मौका देना है। हाँ बिल्कुल देना है, इसमें के बाद है 5 साल हो रही से मार धोरा, तो 5 साल। हाँ संजय टेलर को, संजय टेलर। हाँ इस वजह से सिर्फ वोट देंगे, विकास कार्य नहीं दिखते आपको? बोलो बोलो क्या कह रहे हैं? विकास कार्य जो प्रदीप ठाकुर हैं, रमेश कुशवाहा हैं, वो कहते हैं कि हमने विकास कार्य किए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ना, कुछ ही ना किसी ने किया। 5 साल होली जीत के गया, यहाँ क्या करा सब प्रदीप ने बताओ? आज अब आया, जब सब जीत के गया था अब आया। अच्छा, किसी ने कोई काम को भी कह दिया तो जब भी कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? खालिद। आप डोला गाँव से ही हैं? हाँ। खालिद को सुन रहे थे, उनका साफ साफ कहना है कि कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है, घुमाई हुई है और कुछ नहीं। नमस्कार, आपका नाम? बिनेश। बिनेश जी, डोला गांव का मूड जानने आए हैं जनता का, जिला पंचायत चुनाव को लेकर के। जी, आपका क्या कहना है? संजय डीलर। संजय डीलर ही क्यों? आपने हमारा अभी तक नाम सवाल भी पूरा नहीं होने दिया और नाम अच्छा जवाब दे दिया, तो हम जानना चाहते हैं संजय डीलर क्यों? ठीक आदमी है भैया। अच्छे बुरे की क्या पहचान होती है? काम करवाया उनने गांव में। गांव में वे तो कुछ जनप्रतिनिधि भी नहीं रहे, जब भी तो काम करवा दिया। अच्छा, अब प्रदीप झूठा क्यों? हाँ करके 5 साल लोग करवाए नहीं। नहीं, गांव का लोगों का कहना है कि विकास ना, महाराज का करवा गांव के लोगों के करवाया विकास, एक खाइले पे ईंट लगवाई बस। अच्छा, कुछ भी ना करवाया उनने। तो क्या लगता है फिर आपको? हारेगा यू? हारेंगे। हाँ पक्का। अच्छा, हाँ संजय डीलर जो है जी, वो बिल्कुल सही बात है आपकी कि जनता के बीच में रहते हैं आप लोगों का कहना है। फिर कितने प्रतिशत वोट लग रहा है कि आपको यहाँ से ले जाएंगे? 90% ले जाएगा। 90% वोट ले जाएंगे डोला गांव से? डोला गांव से। क्या विकास कार्य की उम्मीद रखते हैं आप कि इन तीनों प्रत्याशियों से, अगर ये जीत के कोई से भी आता है तो क्या उम्मीद रखते हैं? तो झूठा प्रदीप तो जी, अब संजय जी काम करे, मरे में जीवे में सब में आवे गैल। ठीक है, यहाँ बाढ़ को झगड़ा होगा था, बस पथल गई थी, बिजली ने मतलब पकड़ लिए थे। अब 20 साल में लोगों को कह गया मतलब मैं नाम कटवाऊँगा, और एक बार भी नाम ना कटवाया, सारे झूठ बोल के चला गया। अच्छा, तो इसलिए आप उनको झूठा बोल रहे हो? झूठा पक्का। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ विकास कार्य क्या देखना चाहते हो अगर यहाँ संजय डीलर भी जीत करते हैं? संजय लग रहा विकास इसके बस की ना। अच्छा, ये तो कुछ में रहेगा दिल्ली। अच्छा हाँ, तो आप समर्थन करते हैं? पक्का पक्का पक्का, पूरा पूरा। क्या बात है, इधर करो। आपका नाम भी है? रवि सिसोदिया नाम है। रवि सिसोदिया जी, हम आपके डोला गांव में पहुँचे हैं,
जो जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं वार्ड 16 में आपका ये डोला गांव आता है, तीन प्रत्याशी यहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, ठीक है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन आप क्या उम्मीदें उनसे लगाए हुए हैं और किससे क्यों? हमें तो उम्मीद यही है कि विकास हो क्षेत्र का, जो भी समस्याएं हैं गांव की आसपास की वो सब अपने अच्छे तरीके से कर लें, जो भी जीत के आते हैं अभी तो कुछ पता नहीं कौन जीतेगा, यहाँ से चुनाव चल रहा है, अभी चुनाव तो लास्ट में पता लगेगा इस चीज़ का, तो ये विकास हो जाएगा क्षेत्र का, यही चाहते हैं जी। तीन प्रत्याशी आप जानते कौन कौन है आपके यहाँ डोला वार्ड 16 से? हाँ तीन है, आपने बता दीजिए कौन कौन है। तो संजय डीलर है, हाँ जी, एक प्रदीप ठाकुर है, एक मास्टर रमेश कुशवाहा जी होंगे, ये तीन ही है शायद। तो आप इन तीनों में से किसको सबसे मजबूत दावेदार मानते हो? सब मजबूत ही है जी फिलहाल तो, रेस में तीनों ही है अभी तो। तीनों ही है जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको किसी एक का चुनाव करना हो तो किसका चुनाव करेंगे भाई? ये तो ये नहीं कह सकते फिलहाल, ये नहीं बता पाएंगे आप। अच्छा, क्या विकास कार्य हैं आपके डोला गांव में जो होने चाहिए, आप जो भी जीत का आता तो उससे उम्मीद है आपकी? साफ सफाई हो अच्छे से, बिजली वगैरह की व्यवस्था बनी रहे, और ये पानी की व्यवस्था, टंकी वगैरह इधर नहीं आ पा रही है पानी, आज गाधे गांव में हो पा रहा है उधर नहीं आ पा रहा है इधर, ये समस्या है। और सौर ऊर्जा की लाइट वगैरह ये हो अपना, यही है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? स्वास्थ्य व्यवस्था तो अच्छा है इधर से, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, अस्पताल है क्या है वो, CSC कैसे? हाँ CSC है जी। अच्छा सही है वो? हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे हो जाता है सब काम? हाँ जी सब टाइम पे। चलिए बहुत। और कहने तो लगे। आपका नाम? मेरा नाम मामचंद है। मामचंद जी, तीन प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं जिला पंचायत से वार्ड 16 से, किसको सबसे मजबूत कैंडिडेट मानते हैं? हमें तीन का पता नहीं, हम तो सबसे मजबूत कैंडिडेट है, सबसे जो है ना ज्यादा वोट जीत जो है उसकी है प्रदीप ठाकुर की। प्रदीप ठाकुर ही क्यों? प्रदीप ठाकुर विकास पुरुष है। कैसे? गांव, हमारे गांव में भी सब जगह विकास किया हमने, काम करवाया, काम कराया। हाँ काम कराया, ये तो सुसरे लुचे हैं सारे। अच्छा लुचे, ये तो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी। ये तो चुनाव एक बार बनाया था कुशवाहा को लेकर, गायब हो गया, बम्बई लौट गया, के करा कुछ नहीं करा पूरे क्षेत्र में। नहीं, संजय डीलर आपके गांव में लगातार आ रहे हैं। संजय डीलर सबसे बड़ा डकैत है, सारे कच्ची दारू काटे, ठेके चलावे, भट्टी चलावे। अच्छा, आयकर संजय डीलर है पता? तो आप भ्रष्ट आदमी, चौदह जेल में भी रहा। ठीक ठीक ठीक, तो आप किसको समर्थन कर रहे हो? अरे मैं बताया तो दी यार, तुझे क्या बार बताऊं? बताओ। ठाकुर संजय को उसको कर रहे, ठाकुर प्रदीप को, ठाकुर प्रदीप, और जीत रहा ठाकुर प्रदीप, जीत रहे हैं। हाँ जीत रहा। कितने प्रतिशत वोट आपके अनुसार, आपके अनुसार? अरे वो तो जो है ना कई हजार वोट जीतेगा पूरे क्षेत्र की बता रहा, तू मेरे डोड़ा की पूछ रहा, मैं सारे क्षेत्र की बता रहा। क्या बात है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 73 साल है। 73 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, और क्या बात कर रहा है। आपका नाम? करणपाल जी। करणपाल जी, आज हम आपके डोला गांव में आए हैं लोकवाणी न्यूज चैनल, ये जानने के लिए कि जो जनता है उनका क्या चुनावी माहौल है और क्या मूड है किस प्रत्याशी को लेकर के। जनता का माहौल जी संजय डीलर का है गाँव डोला में। हाँ जी, क्या लगता है कि संजय डीलर क्या अगर प्रत्याशी बन जीत करके आते हैं तो क्या विकास कार्य करा पाएंगे? विकास भी कराएगा जी, आता है 5 साल तो बराबर आता है गाँव में जी, और प्रदीप रमेश कौन आ रहे हैं कोई भी नहीं आता। अच्छा, हाँ जी, ऐसे कौन से विकास कार्य हैं डोला गांव में जो होने चाहिए इन प्रत्याशियों से आपकी उम्मीद है? गौशाला है जी पहले तो, एक नंबर। बच्चों का खेलने का वो नहीं है यहाँ से कुछ, खेल के मैदान में, खेल का मैदान जी। शिक्षा को लेकर के क्या कहना है? शिक्षा का भी है जी, हॉस्पिटल वगैरह, हॉस्पिटल हो जी, कोचिंग सेंटर वगैरह कुछ है, लाइब्रेरी वगैरह कुछ ऐसी गांव में नहीं है ऐसा कुछ? अच्छा, शमशान घाट की क्या स्थिति है? शमशान घाट की भी ऐसी स्थिति सब खराब है। अच्छा, मतलब होने ना होने में बराबर है। बराबर है। तो क्या लगता है आपको कि आप जिस प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं वो विकास कार्य इन सबको करा पाएगा? हाँ जी करेगा, करेगा पूरी उम्मीद है आपको? उम्मीद है। प्रदीप ठाकुर क्यों नहीं? प्रदीप ठाकुर तो वहाँ देख रहे हैं अरुष जल आते ही ना टाइम पे। अच्छा, एक दो उसके दल्ले हैं उनके अलावे। अच्छा, कहने का मतलब आप समर्थन करते हैं? हाँ जी, संजय डीलर को। संजय डीलर को क्या बात, धन्यवाद। अगर आपका नाम? अरुण कुमार। अरुण कुमार डोला गांव से हैं आप? हाँ, वार्ड नंबर 16 में आता है आपका डोला गांव। अच्छा जी,
क्या लगता है आपको, किस प्रत्याशी पे आपकी उम्मीद है जो आपके विकास कार्यों पे खरा उतर पाएगा? कई साल तक देख रहे पर कुशबा को मित्री वाला को अब के देख लेंगे संजय डीलर को। अच्छा, यानी कि मौका देने का बात है। हाँ, आपका मौका उन्हें दिया जा। तो कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आपके गांव में नहीं हुए और होने चाहिए? बहुत ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं, कोई पूरा नहीं। मतलब गौशाला नहीं है, देखो गाँव क्या हाल है बेचारी खड़ी धूम में। ऐसे जंगल में जना कितने भटके फिरे हैं, रात को किसान बेचारे खेतों में खड़े रहे हैं, पहरे लगा हुए हैं। अच्छा, कौन देख रहा है भाई क्यों खड़े हैं ये? एक मेरे यहाँ बड़ी कीमत नकार के बाहर कर दी, फिर दूसरा आगे कर दे। चलो, गौशाला की आपके यहाँ व्यवस्था और कोई ऐसा विकास कर रही है? बहुत विकास है हमारे यहाँ तो, बहुत होना चाहिए। अच्छा, कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि भैया आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम है सलमान। सलमान भाई, तीन प्रत्याशी हैं आपके वार्ड 16 से, डोला गांव उसमें आता है। किस प्रत्याशी को आप सबसे मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखते हैं? हम तो डीलर को ही देखते हैं। किस लिए, क्यों? ये बेचारा डीलर जो हारने के बावजूद भी डोला में बराबर किसी का सहयोग, जैसा भी जो भी काम है तो डीलर ही आया, दुख सुख में जैसे भी तो हर बार डीलर ही आया। वो नहीं आया, ना प्रदीप आया, ना वो रमेश कुशवाहा, बट डीलर ही आया। ईद त्यौहार जो ब्याह शादी गम जो भी है, हर बार डीलर ही आया। हाँ, कहा जा रहा कि चुनाव को जो है जातिगत चुनाव हो गए हैं, आपका क्या मानना है इस पर? हमारा कोई जाति वाति का चुनाव नहीं, हमारा तो पहले से डीलर का चुनाव है, क्योंकि एक शख्स हुई है ऐसा है प्रदीप, तो अभी 10 दिन से गाड़ी को लेके इंगे तिंगे भाई हुई है। डीलर पहले से बेचारा, हम देख रहे 5-7 साल हो गए इलेक्शनों को, जब से वो बराबर ही आ रहा, बराबर आ रहा हर जगह। सजा जी, आप क्या कहना चाहते हो, किस प्रत्याशी को सबसे मजबूत कैंडिडेट देखते हो डोला गाँव से जिला पंचायत चुनाव के लिए? डीलर ही क्यों? वो जो अभी भाई ने बताई वही बात है। प्रदीप ठाकुर क्यों नहीं? प्रदीप ठाकुर तो अभी देखा हमने, उससे पहले देखा नहीं। आपके गांव के लोगों का कहना है कि यहां पर जो है प्रदीप ठाकुर ने विकास कार्य किए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि विकास कार्यों को देखते हुए उनको वोट देनी चाहिए क्या? नहीं, हमने नहीं देखा आपने। यानी कि आपके दौरान कुछ भी ऐसा कोई विकास कार्य आपने नहीं देखा? नहीं। जो हुआ हो नहीं, तो आप इस बार संजय डीलर को जो है समर्थन करते हैं? जी हाँ, पूरी तरीके से। आपका नाम? वीर सिंह। वीर सिंह जी, जिला पंचायत चुनाव नजदीक है, 19 तारीख में मतदान होना है, क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रत्याशियों को लेकर के? वो हम तो यही कहना चाहूँगा कि बाप गए संजय डीलर को देखने, बेचारा कई साल से परेशान हो रहा, मेहनत कर रहा है, बड़े आदमी। कहीं मौके के हिसाब से क्यों मौके पे ये है, किसी का दुख दर्द हो फौरन ही बेचारा आता है वहाँ, और तो यहाँ कोई ऐसा आता है नहीं, आया नहीं आज तक, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं आया आज तक, कोई नहीं, सिवाय संजय डीलर के। उसे पता लग जाओ कि फलाने के यहाँ मौत हो रही है या कोई फंक्शन है, फौरन ही आते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं कि चुनाव नजदीक है तभी जो है प्रत्याशी? ना जी, ऐसा कुछ नहीं, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, ये तो हमेशा आते ही रहे जी, समझिए। तो आप खुला समर्थन कर रहे हैं? हम तो खुला समर्थन कर रहे हैं जी उसे। तो कितनी प्रतिशत अनुमानित अगर लगाया जाए तो कितनी प्रतिशत वोट आपके पास? तो भारी गांव से सभी गांव से तो मेरे ख्याल में तो जी कम से कम 80-85% तो है ही है, बिल्कुल, हाँ, जो हमारी नॉलेज में है। जी जी जी, आप पूरा समर्थन कर। अरे जिला पंचायत कुछ भी हो, जिला पंचायत वाले तो भैया हम हैं। नहीं, एक चीज बताइए, आप एक चीज बताओ, विकास कार्य तो सभी को चाहिए, वो तो विकास कर रहा, सड़क बनवा रहा, भैया तो बात करो, विकास तो यहाँ किसी ने करवाया नहीं जी, वादा करें यार चले जाओ, फिर जीत के बाद में देखते भी नहीं, नहीं देखते नहीं। तो फिर क्या लगता है आप वोट के लिए क्या कहना चाहते हो? वोट वो ले लो जो विकास करवाओ जी, इसका चुनाव कौन करेगा, जनता से बेहतर कौन कर सकता है? बस जनता ऐसी है जो विकास भी करवा ले। अब जनता जो बावड़ी हो रही जी, पता कितने कैंडिडेट उठ रहे हैं, किसको वोट दे? जी जी, तो तीन प्रत्याशी मैन है जो दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं यहाँ से, 2 मितली गांव से रमेश कुशवाहा और प्रदीप ठाकुर, और तीसरा जो है संजय डीलर है, आपको क्या कहना है? देखो जी, हमारी वोट तो संजय डीलर को जाएगी, पहले मीतली वाला भी देख लिया, उससे पहले भी मीतली वाले रमेश कुशवाहा जी उठे थे, अब प्रदीप ठाकुर जी हैं, वादा करके चले गए, करा कुछ है नहीं उन्होंने, करा कुछ नहीं, नहीं। तो आपकी बार आप मौका देना चाहते हैं संजय डीलर? देखो जी, हाँ जी, पेन चेक करो।
ठाकुर प्रदीप की उतर रहे हैं। आपका नाम? फैयाज। हाँ जी फैयाज। फैयाज जी तीन प्रत्याशी हैं मैदान में जिला पंचायत वार्ड नंबर 16 से, आपका गांव डोला उसमें आता है, क्या कहना है, किस प्रत्याशी को आप सबसे दमदार मानते हैं? ठाकुर प्रदीप को। ठाकुर प्रदीप क्यों? बस संजय प्रजा संजय डीलर हैं और रमेश कुशवा भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं? रमेश कुशवा ने पहले कुछ नहीं करा, अभी क्या करेगा? अभी क्या करेगा? तो आपको नहीं लगता कि संजय डीलर को मौका देना चाहिए? हाँ देना चाहिए, है ना, देना चाहिए। आपका क्या कहना है? कहना तो यही है कि वैसे अब की योजना में संजय जा आवे तो बढ़िया है, बाकी आगे ऊपर वाले के हाथ में। अभी आप कह रहे हैं ना कि प्रदीप डीलर का समर्थन? प्रदीप डीलर का तो ये है कि भाई जो योजना लाया है वो उस योजना के तहत तो अच्छा है वो। अभी कहने का मतलब अभी कुछ आप कह नहीं सकते कि आपका ग्रुप किस ओर जाएगा, अभी आपके लिए सब बढ़िया है, कहने का मतलब आपका वो है? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आपका नाम? बबली। बबली जी, आप गांव डोला में हम लोग खड़े हैं, ये बताइए कि जो जिला पंचायत के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं 19 तारीख में आप लोग मतदान करने के लिए जाएंगे, किस प्रत्याशी को सर्वाधिक मजबूत मानते हो, कैंडिडेट कौन है? रमेश भैया। रमेश इन्हें काम भी पहला भैया करवाया था। कौन से कुछ गांव बताओगे आप जो रमेश कुशवाहा ने जो काम करें? नहीं कोई काम तो भैया। आपका नाम जी? मेरा नाम शैलेंद्र है, वैसे टीटू कह रहे हैं मुझे। जी टीटू जी, हम लोग आपके गांव में आए हैं डोला में। जी देखा जा रहा है कि हर कोई प्रत्याशी वार्ड 16 से अपने अपनी दमदार तरीके से अपनी प्रत्याशी को दावेदारी पेश कर रहा है। जी जी जी। आप किसको अपने गांव से सबसे मजबूत कैंडिडेट मानते हैं और क्यों? ये यहाँ से भाई साहब दोनों चुनाव जीत लिए, ये प्रदीप भी और रमेश कुशवाहा जी, ये भाई साहब रह गए संजय, संजय डीलर जी। हाँ संजय डीलर, तो हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। तो और ये काफ़ी अटैच में भी रहे हैं, अगर किसी के दुख है सुख है बीमारी में खुशी में दुख में, इनसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं ये जो हमारे प्रदीप भाई और ये है, इनसे इन्हें तो टाइम नहीं मिल पाता, काफ़ी बड़े हो गए ये तो जी जी, अब बहुत बड़ा क्षेत्र देखना पड़े। तो ऐसा बंदा नहीं चाहिए हमें, हमें तो जो जो हमारे बीच में आवे हमारे दुख सुख में। हाँ तो हम संजय भाई को नहीं, जिस तरीके से प्रदीप ठाकुर द्वारा जो मेडिकल कॉलेज हो या जो बच्चों के लिए खेल का मैदान हो, इस तरह के विकास कार्य किए गए हैं, आपको लगता है कि विकास कार्य के बल पर जो है प्रदीप ठाकुर को? नहीं विकास कार्य हुए होंगे तो उसके गांव तक ही सीमित रह जा, भाई गांव एक ही थोड़ी आवे, गांव तो ये तो चुनाव जो 9 गांव का है, 14 गांव है जी फिलहाल, अच्छा अच्छा हाँ, तो लगभग 50,000 वोटों का चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मीतली में लगभग 4,000 वोट मान लो, तो हमारे यहाँ 8,000 वोट, मीतली में ही स्टेडियम बनना था या मीतली में ही गौशाला बननी थी, गौशाला की हमें जरूरत नहीं, जो 8 महीने पहले प्रदीप जी आके यहाँ कह गए भाई हम बनवा रहे गौशाला, 8 महीने का वक्त बहुत हो भाई साहब। बिल्कुल जी अच्छा, मैं हमें ही तो पता, हमने पूरी रात रह के गेहूँ कैसे अब लाऊंगे घर, नहीं नहीं बिल्कुल हाँ, पूरी रात काटना सर्दी में बैठ के, किसान की मेहनत का किसान को पता है, वो तो आपकी बात नहीं, सरकार तो जो भाई ये तो आगे आने वाली बात है, सरकार भाई अच्छी है बुरी है और बस सरकार तो भाई मेन चीज़ तो यही है, शुरुआत जब जिला मतलब गांव से ही तो हो भाई, ये सबसे छोटी जरूर है, बाकी शुरुआत तो यहीं से हो, विकास कार्यों हाँ विकास कार्यों की भी और आगे सरकार बनने की भी, भाई लोकसभा विधानसभा सब यहीं से तो शुरुआत हो। तो आप खुला समर्थन करते हैं? हाँ संजय भाई का खुला समर्थन करते हैं जी। गांव के निवासी हैं, इनको सुन रहे थे कि पूरी तरीके से हर तरह से जो है संजय डीलर का समर्थन करने की बात ये कह रहे हैं, और इनका कहना है कि जनता से खास लगाव है उनका और जनता के बीच रहते हैं, इसलिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार जी, आपका नाम जी? कमलेश। कमलेश जी, हम लोग डोला गांव में पहुंचे हैं आज आपके, और हम इसलिए कवरेज कर रहे हैं, हम यहां पे जानना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? हमें तो बस ये कहनी है कि जब हमारी विधवा की पेंशन बनती है, देखो 500 रुपये तो महीना का गिर रहे हैं, और वो भी तुम 5-6 महीना में गिरो तो उसमें गुजारा हो कि तुम बताओ 500 रुपये में क्या गुजारा होता है, एक तरह का लपस चाहिए भाई 500 रुपये आ जाओ महीना के, वो भी आती नहीं,
आपकी पेंशन की समस्या है? हाँ जी। नहीं ये बताइए, तीन प्रत्याशी हैं यहाँ से, प्रदीप ठाकुर, संजय डीलर और रमेश कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपके गांव आपके वार्ड में भी आते हैं, वार्ड 16 में आते हैं, तो आप हाँ। किसको समर्थन करते हैं और क्यों? इसी के लिए सुविधा कर देंगे तो उसे ही दे देंगे भैया राम ने, जो कोई हमारे गांव की तरक्की करेगा या हमारी करेगा कि भाई हाँ विधवान के लिए भी कुछ होना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल, हैं? हम तो उसी के लिए कर सकते हैं। यानी कि आपका कहना है कि सब सब जो विकास कार्य करेगा गांव के लिए हम उसके साथ में हैं। हाँ, आप किसी एक व्यक्ति को अभी नहीं आपने डिसाइड किया? ऐसी बात नहीं है, जो हमारे लिए सहायता करेगा हम उसके वोट देंगे जरूर। तो आपको क्या लगता है कौन कौन आपको जो है आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतर सकता है, कौन आपको सपोर्ट कर सकता है इस चीज में, इन तीन लोगों में से? प्रदीप ठाकुर है, संजय डीलर है और रमेश कुशवाहा। देखो इसमें तो हम नहीं कह सकते कोई कि भी हम जानकारी इतनी हमें नहीं।